वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद केस पर सुनवाई नहीं, हड़ताल पर हैं कोर्ट के वकील। यूपी में अब नए मदारिस को नहीं मिलेगी सरकारी ग्रांट, योगी कैबिनेट ने लिया फैसला। मथुरा में शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक का मुतालबा, हिंदू महासभा ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी। दिल्ली में बुलडोजर से एक्शन पर एमसीडी से दिल्ली सरकार ने तलब की रिपोर्ट, 1 अप्रैल से अब तक की कार्रवाई का डाटा मांगा। हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा, सोनिया गांधी को खत लिखकर आला क्यादत पर साधा निशाना। कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर रेड के बाद बड़ी कार्रवाई, करीबी भास्कर रमन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। दिल्ली की तरह पंजाब में किसान आंदोलन तेज, गेहूं पर बोनस समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ मोहाली सरहद पर डेरा डाला। असम से कर्नाटक तक पानी से मचा कोहराम, असम में सैलाब से 8 लोगों की मौत, 4 लाख लोग मुतासर। उत्तराखंड के केदारनाथ में शदीद बर्फबारी, दर्जा हरारत में आई गिरावट, बर्फबारी और बारिश की वजह से कदरमंदों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड में आए आंधी और तूफान का असर एक शादी तकरीब में देखने को मिला, शादी तकरीब में दूल्हा दुल्हन कर रहे थे डांस, तभी तूफान से उड़ गया पंडाल। यूपी में फ्री राशन लेने वाले फर्जी कार्ड होल्डर्स पर एक्शन की तैयारी, फर्जी कार्ड होल्डर्स को राशन कार्ड सरेंडर करने का इंतजाम। श्रीलंका के सदर गोटबाया राजपक्षे की सरकार गिरने से बची, ऐवान में सदर राजपक्षे के खिलाफ पेश किया गया तारीख अदम एतवाद, नाकामयाब। श्रीलंका में आईन में तरमीम की तैयारी, सदर की ताकत होगी काम, हिंदुस्तान से मदद मिलने के बावजूद कोलंबो में पेट्रोल डीजल का बढ़ा बहरान, लंबी लाइनें लगी। कोलंबो में श्रीलंका की पुलिस के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने की हुकूमत के हिमायतों पर कार्रवाई की मांग। रूस और यूक्रेन जंग का आज 84वां दिन, डोनबास और चिन्नी में रूस के हमले तेज, ज़ेलेंस्की बोले रूस के हमले बेकार, अज़ोस्टाल स्टील प्लांट से बाकी फौजियों को बाहर निकालने का काम जारी। अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की मदद देने के बिल पर हुई वोटिंग, बिल के हक में 81 वोट जबकि मुखालिफत में पड़े 11 वोट, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबरान ने बिल की मुखालिफत की। यूक्रेन के लवीव शहर पर रूसी फौज का जोरदार हमला, बमबारी से लवीव में भारी तबाही, इमलाक को भारी नुकसान। यूक्रेन की फौज का रूसी जंगजू को करारा जवाब, यूक्रेन की एयरबर्न ब्रिगेड ने रूस के जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। खार्किव के ओब्लास्ट में रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने, यूक्रेन की फौज ने रूस के एक जंगली टैंक को कब्जे में लिया। रूस और यूरोपीय ममालिक के बीच बढ़ सकती है तकरार, स्वीडन के पीएम का बयान, स्वीडन और फिनलैंड आज नेटो रुकनीत के लिए करेंगे दरख्वास्त। अमेरिका के सैन्य सैन डियोगो में मैक्सिको सरहद पर मिली ड्रग्स की तस्करी वाली सुरंग, सुरंग से 800 किलो कोकीन बरामद। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान रेसलर सत्येंद्र मलिक ने रेफरी को मारा थप्पड़, आजीवन बैन लगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से हराया, हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा। फ्रांस में 75वें कांस फेस्टिवल का आगाज, फिल्मी सितारों ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा। कांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, हिंदुस्तानी वफ्द का किया क्यादत।